हेलो एवरीवन मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 15वें मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको सारे मॉडल पेपर उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए 15वें मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूँ, तो आप सभी दोस्तों को जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम से पहले पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा 200 तक भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहां से आप वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमने इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं 15वें मॉडल पर। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में हुआ है? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, सकेंडियन पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी। तो अभी कमेंट शुरू कर दीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले आप ये काम करिएगा, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप बने हुए हैं, उसमें ग्रुप में सारी क्लास शेयर कर दो मित्रों। सबसे जल्दी पहले सब दोस्त वीडियो को लाइक कर दो और फिर शेयर करो मित्रों, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। हाँ जी, तो अब आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है मित्रों। ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आना शुरू हो गया सभी का। तो हाँ जी, इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यूराल पर्वत श्रेणी से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिल काल में हुआ है? तो हर्षिल काल के अंदर हुआ है यूराल पर्वत श्रेणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये एशिया व यूरोप को अलग करती है। ये जो यूराल पर्वत श्रेणी है एशिया और यूरोप को करती है, अलग करती है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर मित्रों। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? जो दक्षिण चीन सागर है किस महासागर का सीमांत सागर पूछा गया है? उत्तरी प्रशांत का, दक्षिणी प्रशांत का, उत्तरी हिंद का, या दक्षिणी हिंद का? तो ये क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया मित्रों सभी का। ठीक है जी, हाँ जी, किसी का दक्षिणी हिंद आ रहा है तो किसी का उत्तरी हिंद आ रहा है। ठीक है जी, इसका आंसर बता देते हैं अपन, उत्तरी प्रशांत इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिणी चीन सागर है वो किस महासागर का सीमांत सागर है? ये हो जाएगा आपका किसका, उत्तरी प्रशांत सागर का क्या है, ये सीमांत सागर है दक्षिणी चीन सागर। ठीक है जी, एक नंबर आंसर आपका करेक्ट हो गया है। हाँ जी, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? आपको गर्म हवा नहीं बतानी है, सिरोको, जोड़ो, खमसिन या बोरो। जो गर्म हवा नहीं है, ठंडी हवा बतानी है, कौन सी है? ठीक है साहब, आंसर आ रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, तो अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। हाँ जी, आंसर से पहले बात बता देता हूँ आपको, सभी दोस्तों को ये शेयर कर दो क्लास और वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। निम्नलिखित में कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो अपन गर्म हवा कौन कौन सी है, सिरोको क्या है एक प्रकार की गर्म हवा है, जोड़ो भी एक प्रकार की गर्म हवा है, ये भी खमसिन भी गर्म हवा है। तो जो बोरो है ना, ये ठंडी हवा है, ये युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रण रखने का लक्ष्य रखा गया है, कितना लक्ष्य रखा गया पूछा गया आपसे, तो बताइएगा ऑप्शन में ध्यान में रखते हुए। पूर्व औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, पर्याप्त नीचे। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका बताइएगा। ठीक है साहब, आंसर आना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो मित्रों। हाँ जी, इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है साहब, इसका राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से पर्याप्त नीचे। दोस्तों ये क्या रखा गया, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है आपका। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। सर्वाधिक जो ग्रीन गैस जो उत्सर्जन जो देश करता है वो पूछा गया, कौन सा देश है? रूस, चीन, अमेरिका या भारत, इनमें से बताइए कौन सा देश उत्सर्जन करता है ग्रीन गैस हाउस गैसों का।
हाँ जी बताइएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन। ठीक है साहब, इसका आंसर मिल चुका है। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, अमेरिका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के बाद में पूछा जाए तो चीन का नंबर आ जाएगा मित्रों, कौन आ जाएगा, दो नंबर पे ये क्या कर रहा है, चीन कर रहा है मित्रों, दो नंबर पे चीन हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका रूस हो जाएगा, उसके बाद में ठीक है जापान का नंबर आएगा, भारत का अंतिम स्थान आता है। ठीक है 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है, विक्टोरिया झील पूछेगी है, कौन से अफ्रीकी देशों के मध्य है विक्टोरिया झील, बताइएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो ये क्वेश्चन भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, तो बताइएगा विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। हाँ जी, हाँ जी, ए ठीक है जी, बी, सभी का आंसर आ रहा है मित्रों, तो आंसर जिसका जो राइट होने वाला आंसर है वो बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा आपका। हाँ जी विक्टोरिया झील पूछा गया, विक्टोरिया झील, हाँ जी प्राकृतिक झील का उत्तम उदाहरण है विक्टोरिया झील, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, तंजानिया, कीनिया और युगंडो, तो इस देशों के मध्य है ये विक्टोरिया झील आपकी। 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा, महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, कौन से कारक हैं महासागरीय धाराओं के, तो जिसकी वजह से महासागरीय धारा उत्पन्न होती है, तो सनातनी पवन है, समुद्र जल के तापमान में अंतर, समुद्र जल की लवणता में अंतर, या पृथ्वी का परिक्रमण, दोस्तों क्या कारण है इसका उत्पत्ति के, तो बताइएगा क्या कारण है इनके। हाँ जी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मित्रों, ठीक है साहब, हाँ जी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दो मित्रों, क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दो, आप वीडियो को लाइक कर दो, जो जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है दोस्त, कोई भी दोस्त है जो पहली बार चैनल के अंदर आया है, तो वो वीडियो अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया एक, दो और तीन। ये जो महासागरीय जो धाराएं हैं उसकी उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारण क्या माने जाते हैं, सनातनी पवने, समुद्र तल के तापमान में अंतर और समुद्र तल की लवणता में अंतर, दोस्तों एक, दो और तीन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय आय क्या है, हाँ जी राष्ट्रीय आय पूछी गई आपसे क्या है, हाँ जी राष्ट्रीय आय इनमें से किसे कहते हैं ये बताना आपको, तो ठीक है साहब, हाँ जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है जी आंसर आ चुका है NNFC, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ये तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य पूछा गया आपसे, तो बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा। ठीक है साहब, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण जैविक राज्य वाला अपने जो इसको घोषित किया गया था वो कब किया, 2016 में घोषित किया गया था, आपको मैं भी थोड़ा सा थोड़ी सी बता देता हूँ इसके बारे में, हिंट बता देता हूँ कौन सा राज्य होगा 2016 में। हाँ जी गंगटोक, गंगटोक कहाँ पर है ये बता दो, जो गंगटोक जान गया होगा वो इस आंसर तक पहुँच गया होगा। ठीक है साहब, इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिक्किम, तो गंगटोक था जो स्थान था जिसको टिकाऊ कृषि सम्मेलन के में सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है जी 59 का एक नंबर आंसर है, जिस भाई ने ये आंसर किया है उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों अब बताइए ये क्वेश्चन होजरी उद्योग के लिए पूछा गया है तो कौन सा स्थान है। हाँ जी औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं उस शहर को, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से। ठीक है साहब, हाँ जी जलंधर, लुधियाना, हाँ जी लुधियाना, जलंधर, ठीक है साहब, तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, हाँ जी लुधियाना, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है, हाँ जी गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है, आपको ये बतानी है दक्षिण की ओर से नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है उत्तर की ओर से मिल रही है वो। ठीक है साहब गंगा नदी में बतानी है आपकी। 61 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गोमती हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोमती हो जाएगा, ये यमुना पुनपुन ये सोन जो नदियां हैं ये गंगा के अंदर क्या है इधर साइड से मिल रही है ये, है ना इधर साइड से मिल रही है। अब पूछा गया दक्षिण साइड से नहीं पूछा गया हमने, तो हमें बाएं साइड से पता करनी है मित्रों, तो बाएं साइड से नदियां जो पश्चिम से पूर्व जो हमारा क्रम है वो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है, तो रामगंगा हो जाएगी सबसे पहले, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी तथा महानंदा लास्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है साहब, तो ये आप ध्यान रखिएगा,
और इधर जो दक्षिण साइड से गंगा नदी मिलती है वो आपकी यमुना हो जाएगी, सोन हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये आदि नदियां हैं जो कि गंगा नदी के दक्षिण से मिलती है। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी से क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता है, तो गंगा नदी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो वन नीति की घोषणा करी गई थी, ये कब करी गई थी ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, वनों को सुरक्षा के लिए, वनों को काटना एक क्या था, एक कानून बनाया गया, जो भी वनों काटेगा उसको क्या है, वो तो सजा का हकदार होगा दोस्तों। अब ये कानून बना था तो बताइए इसकी सुरक्षा के लिए कब बना था ये? हाँ जी, इसका मतलब है कि सरकार द्वारा वन नीति कब लाई गई थी ये बताइएगा मुझे। तो मैं ठीक है साहब, इसका भी आंसर आ चुका है, 1952 में सरकार द्वारा वन नीति लेके आएगी थी सबसे पहले, 1952 में वन नीति सबसे पहले लेके आई। ठीक है, एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन का वन कहाँ मिलेगा भाई, बताइएगा अभी। हाँ जी, सागौन का वन, ठीक है साहब बता दो फटाफट, भारत में कहाँ मिलेगा? कर्नाटक, MP, उत्तर प्रदेश या झारखंड के अंदर? हाँ जी, सागौन की वन से जो दरवाजे वगैरह जो होते हैं, अलमारी, ये फर्नीचर वगैरह ये बनाने के लिए, इमारती लकड़ी एक प्रकार की, सागौन वन। ठीक है जी, आंसर आ चुका है साहब इसका भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, MP के अंदर मिलेगी दोस्तों, MP में सर्वाधिक सागौन वन मिलते हैं आपके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप क्लास को शेयर कर दो फटाफट इस चीज को, और क्लास को शेयर करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें मित्रों। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में पूछा है कितने राज्य समुद्र तट से रेखा से लगे हुए हैं, तो बताइएगा कितने राज्य हो जाएंगे समुद्र तट के रेखा से लगे हुए हैं। हाँ जी, कितने राज्य हो जाएंगे साहब आपके? हाँ जी, कौन कौन से हो जाएंगे ये भी देख लीजिएगा। ये भाई साहब, ये भारत का जो दक्षिण भाग है ये है, ठीक है। अपन जो ये समुद्र की जो सीमा छू रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। जो समुद्र की सीमा छूता है उसकी बात करते हैं अपन, तो याद रखिएगा अपन किस किस की चलेगी अपने। हाँ जी, 9 राज्य आंसर आ चुका है भाई, 9 राज्य क्या है हमारे जो समुद्र तट से रेखा से टच करते हैं भारत के, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा सब कौन सा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर हमारा गोवा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, केरल के बाद कौन सा हो जाएगा साहब, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में कौन सा, लास्ट में पश्चिम बंगाल हो जाएगा साहब। और ये पश्चिम बंगाल और ये गुजरात दो ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है और समुद्री सीमा भी बनती है, दो है, कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात दोस्तों, ठीक है सब। ठीक है, आंसर आ चुका है सभी का, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये लद्दाख व जैसकर, व्रत हिमालय पी पंजाल, व्रत हिमालय व जैसकर, काराकोरम व लद्दाख, हिमालय से भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। हाँ जी बताइएगा किस किस के मध्य है ये, ठीक है जी, आंसर जल्दी जल्दी करिएगा इसका। हाँ जी ठीक है, आंसर आ चुका है मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्रत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य क्या है हमारी कश्मीर घाटी है, तो 65 का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले पूछेगा कौन से, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या मेघालय, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ 250 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होती है, कहाँ कहाँ पे, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में, मेघालय में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा यही प्राप्त करते हैं साहब, ये पश्चिमी घाट है, इधर से ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा मिजोर अपना मेघालय हो जाएगा साहब, तो मेघालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तीनों में क्या होती है सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पे औसत जो 250 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा होती है। अब देखिएगा 67 में देखा, कथन, कथन एक को पढ़िएगा पहले, कथन एक को पढ़िएगा, तो कथन एक है, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, सही बात है साहब, जो उत्तर भारत की जो नदियां है ना वो हिमालय से निकलती है। कथन दूसरा क्या कहता है, मैं दूसरा कथन ये कहता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्य वायु होती है, तो हिमालय से जो नदियां निकलेगी वो नित्य वायु होती है, ठीक है जी।
ये भी सही है हमारा, ठीक है, दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। तो साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, सी नंबर जिसने आंसर दिया है उसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जिन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप ये बताइएगा उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे चुनाव चुनाव और अन्य सुविधाएं का विशेष अधिकार है, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा संरक्षण, चुनाव आयोग द्वारा संलग्न, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दो मित्रों, और अपने दोस्तों तक ये क्लास पहुंचा दो, जो जो छात्र या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। सेकंड ग्रेड के लिए तो है ही ये, स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए तो बनी हुई है क्लास ये, उसके अलावा रीट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब, इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68 का एक नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, राज्य का नाम सुझाया गया था, तो ये मेघालय का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था ये पूछा गया आपसे। तो हाँ जी, 69 नंबर क्वेश्चन देखेगा, ठीक है साहब, हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसपी चटर्जी हो जाएगा मित्रों, एसपी चटर्जी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसपी चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक 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 टू तीन समझौता एवं हाइड एक्ट किसके संबंधित है दोस्तों, 123 लिखा हुआ है ये, समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा किससे संबंधित है ये। हाँ जी, भारत और किसके साथ हो जाएगा ये आपका असैनिक परमाणु समझौता, तो भारत और अमेरिका के साथ हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौता है ये आपका। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, एक नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इन संस्थाओं का नाम दे रखा है, आपकी संस्थाएं चार संस्थाएं आपके सामने हैं, इनमें बताना है कि कौन सा संस्था का है, ऐसी ऐसी संस्था बतानी जिनका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो किन किन का संस्था का प्रधान प्रधानमंत्री, तो जल्दी से बताइए कमेंट करिएगा फटाफट। हाँ जी, विधि आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या विधि आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब क्या, हाँ जी जल्दी से पहुंचो, हाँ जी फटाफट। ठीक है साहब, इसका आंसर मिल चुका है हमें, इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, केवल दो, तो जो नीति आयोग है उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, विधि आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इनका नहीं होता दोस्तों, ये आपका ये वित्त आयोग है, यहाँ पे याद रखे विधि दो लिख दिया, तो ये वित्त आयोग कर लेना पहला। ठीक है साहब, इसका आंसर मिलेगा केवल दो ही क्या है करेक्ट है। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित 21 कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया था, ये बताना आपको, जो ब्रिटिश संसद थी उन्होंने क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, कौन से अधिनियम के तहत उन्होंने ये लागू किया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है जी, आंसर आ चुका है इसका, हाँ जी, तो इसका आंसर मिल गया है हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1919 का जो भारत सरकार का जो अधिनियम था ये था, इसके अंदर क्या था, द्वैध शासन, सदन के दो भाग होंगे दोस्तों, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाएगी 1919 के अधिनियम के द्वारा, 72 का सी नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न कोई विवाद हो जाए तो उसकी किसके द्वारा जांच की जाएगी, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, संसद या भारत का महान्यायवादी, कौन करेगा साहब इसका, तो बताइएगा कौन करेगा। ठीक है साहब, हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहब, इसका करेक्ट आंसर सभी ने सही बताया है, सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन संविधान के जो अनुच्छेद है 71 उसमें ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जांच का निपटारा कौन करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा जब। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए, मूल अधिकार बताने आपको कितने मूल अधिकार हैं। ठीक है साहब, जल्दी जल्दी बताइए कितने मूल अधिकार दे रखे हैं हमें, ठीक
ठीक है जी, आंसर आ चुका है। अब ये क्वेश्चन सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब बोलो इसे 6 कौन कौन से हैं? तो 6 हो जाएगा। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम हो गया आपका। ठीक है सर, एक अधिकार और था, पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर, उसके अनुसार संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है 31 से। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। अभी वो फिलहाल क्या है, अभी विधिक अधिकार के रूप में 300 के रूप में ये काम कर रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, तो स्थायी सभापति पूछा गया आपसे, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, स्थाई पूछा गया, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा आपसे। हाँ ठीक है जी, आंसर आ चुका है मित्रों, आंसर हमें मिल चुका है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में हुआ, दिक्कत हो रही थी, कुछ लोग सचिंद्रन सिन्हा को आंसर दे रहे थे और कुछ लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे रहे थे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो साफ हो जाएगा आपका कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा जाए तो सत्येंद्र सिन्हा। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसमें अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और किसको? सत्येंद्र सिन्हा को। और 11 दिसंबर जो सेकंड बैठक होती है उसके अंदर ये स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 76 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? हाँ जी, जन कल्याण के राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया कौन से में? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार, या मूल कर्तव्य के अंदर। हाँ जी, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो किस में की गई है? ठीक है साहब, आंसर जल्दी जल्दी दो इसका। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है जी, ये किसका पार्ट हो गया साहब? ये पार्ट हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट, ये हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक है। ये कहाँ तक है? 51 तक आपके, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक आपके हो जाएंगे। और ये जो 38 के अंदर ये लिखा हुआ है जन कल्याण के राज्य की अवधारणा, ठीक है, ये थोड़ा सा 38 अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अभी हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे दोस्तों, तो आप थोड़ा सा खींच के रखो मीटर, है ना। आंसर जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर आ चुका है हमारा, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा साहब, ये अनुच्छेद 54 ये बताता है। हाँ जी, 78 क्वेश्चन है, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है, तो बताइएगा संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संबंधित संशोधित करने के संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मित्रों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा हो जाएगा। तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 368, कौन सा हो जाएगा? 368। हाँ जी, संविधान संशोधन जो भी होते हैं अनुच्छेद 368 के अंदर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों की बायो फोर्टिफाइड और तनाव सहनशील किस्मों सहित कितनी विशेष किस्में विकसित की गई है? तो कितनी की गई है विशेष किस्में? हाँ जी, आपको ये बतानी है 2021 और 22 के दौरान। इसका आंसर सभी का आना शुरू हो गया है, तो 35 किस्में और बढ़ा दी है, 35 किस्में थे और विकसित कर ली गई है। अब वर्तमान में 87 किस्तें हो गई, कितनी हो गई है? 87 किस्में हो गई हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? विनिर्माण, उत्खनन, कृषि कार्य, सेवाएं। अर्थव्यवस्था के सेकंड चरण में, सेकंड क्षेत्र में पूछा गया आपसे क्या है उसके अंदर। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। हाँ जी, सभी का आंसर आना शुरू हो गया, तो विनिर्माण से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के शुरू हो चुके हैं आपके। विनय परीक्षण का उद्देश्य था, तो विनय परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया आपसे, तो आप तो कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विनय परीक्षण का उद्देश्य क्या है? वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते हैं। जी,
प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों की पहचान करनी है जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है सर, 3 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। एक 6 साल की लड़की की मानसिक आयु है 7.5 साल, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी साहब? हाँ जी, बुद्धि लब्धि पूछा गया आपको, बुद्धि लब्धि निकालने, तो मानसिक आयु जो होती है वो ऊपर लिख देंगे और वास्तविक आयु नीचे लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100। ठीक है साहब, तो अपना आ जाएगा इंटू आ जाएगा, 7.5 बटे 6 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो इसका जो बुद्धि लब्धि आएगी कितनी आएगी साहब? बुद्धि लब्धि आएगी 125 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसमें आंकड़े चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है आंकड़े चेंज करके। सावेगिंग बुद्धि को मापने के लिए सावेगिंग लब्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? गोलमेल, मेयर व सेलोवी या बारान या वेक्सलर? दोस्त किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया आपसे, तो बताइएगा किसके द्वारा किया गया है। सावेगिंग बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य होता है? भावनाओं को देखने, उपयोग करने, समझने एवं प्रबंधित करने की क्षमता से होता है इसका अर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब बार आन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर जिस किसी दोस्त ने आंसर दिया उसका सही होगा। बौद्धिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? बताइएगा बौद्धिक अवस्थाओं का विकास का सही क्रम पूछा गया, कौन सा क्रम सही होगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, बिल्कुल सेकेंड ग्रेड के अंदर ये टॉपिक है हमारा और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है साहब, इसका बताइएगा बौद्धिक जो विकास की, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, कितने बताई है? 4 अवस्थाएं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं आपको, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है वो हो जाएगी संवेदी है, पहले अभी कौन जाएगी संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगी, दूसरी प्राक सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी औपचारिक सक्रियात्मक मूर्त। ठीक है, और लास्ट कौन सी हो जाएगी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 3 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण विधियां एवं शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, बताइए शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर क्या है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य पुस्तक का? हाँ जी, अंतर बताइएगा शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में। इसमें साहब क्या अंतर हो जाएगा? इसमें साहब हो जाएगा उद्देश्यों का अंतर होता है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधियों के में अलग उद्देश्य होते हैं और शिक्षण नीतियों में अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है जी, 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, या निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है साहब? किस विशेषता को दर्शाता है ये बताइएगा, 86 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, पूर्व सक्रियात्मक पूछा गया आपसे, पूर्व सक्रियात्मक जो व्यवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक ये अवस्था होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, 2 से कितने होते हैं? 7 वर्ष तक ये अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आत्म केंद्रण हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आत्म केंद्रण। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? सही हो जाएगा 1 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहारिक विधि को स्वीकार करता है, यह कथन निम्न में से किसका है? इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा आपकी, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है तो साहब इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन या मनोविज्ञान या वातावरण या मनोदेहिक? तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का साहब आंसर जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाँ जी ठीक है साहब, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा इसका क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा। तो रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक थी एक कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें सीखने के 8 प्रकार बताए थे आपको, इसमें आपको बता देता हूँ। ठीक है, संकेत अधिगम उसका में उसका 8 प्रकार के अंदर एक है संकेत अधिगम। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में लागू किए जाने की चर्चा करता है अधिगम। स्थानांतरण की उपयुक्त तो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है आपसे? हाँ जी, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ये पूछा गया, बताइएगा किसके द्वारा दी गई है परिभाषा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है साहब, इसका आंसर हो जाएगा आपका सोरसेन हो जाएगा, सोरेनसन, सोरेनसन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर।
हाँ जी, 90 नंबर क्वेश्चन का देखेगा, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है वो पूछा गया, कौन सा कथन सही हो जाएगा बताइएगा, इसमें से सारे कथन पढ़िएगा ध्यान से। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, जो भी इस चैनल के साथ जो नया साथी जुड़ा मेरा, और उस साथी से मैं बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी क्या कर दें, ये चैनल शेयर कर दें मित्रों, और सारे मित्र वीडियो को लाइक कर दें। हाँ जी, इसका आंसर आ गया साहब, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो कथन सही कौन सा, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता है। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस मनोविज्ञानी ने शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बालो धन का कुशल मालिक कहा गया दोस्तों? बालो धन का कुशल मालिक कहा गया, पॉल सैनिक ने, फ्रोवेल या स्किनर या पील ने दोस्तों, किसने कहा है? ठीक है साहब, इसका आंसर मिल चुका है हमें, इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। क्या हो जाएगा? फ्रोबेल हो जाएगा मित्रों। ठीक है, शिक्षक एवं छात्र दो मुख्य आधार स्तंभ होते हैं इनके, शिक्षण प्रणाली में क्या होता है, शिक्षक और छात्र, तो दो मुख्य आधार स्तंभ होते हैं। छात्र बालो ध्यान में फूलों की तरह होते हैं, शिक्षक माली की तरह होते हैं, जो फूलों को अच्छी तरह से बड़ा करते हैं। व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? फ्रायड, शेल्डन, कैटल या क्रेशमर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेल्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सेल्डन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सी अभिक्षमता परीक्षण की विधि है? दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण या स्नायविक एवं हस्त कौशल या उपयुक्त सभी? ठीक है साहब, ये इसका आंसर हो जाएगा साहब, सारी विधियां होती है, उपयुक्त डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सभी ने आंसर सही दिया है। व्यक्ति तो व्यक्ति के अंदर उन मान मनो शारीरिक गुणों को प्रत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बताइएगा, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साहब, ये परिभाषा दी गई है आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। ए नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर निम्न होता है? किस विशेषता के आधार पर निम्न होता है वो? हाँ जी, तो आंसर आ चुका है, राइट आंसर हमने कैच कर लिया दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। पी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है? मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता पूछी गई आपसे, कौन सी है? तो देखेगा, पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को समझना और मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर बल देना, तीनों हो जाएंगे आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त क्या है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? किस कथन से सहमत होना चाहिए भाई साहब बताइएगा, एक अध्यापक को? जी जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा दोस्तों, एक अध्यापक को बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा। 98 का, 97 का आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया? अभिसारी चिंतन पद का अर्थ पूछा गया आपसे, किसके समान किया गया है बताइए, किसके समान किया गया है अभिसारी चिंतन पद? तो सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विद्वान होना, अवधान संबंधी बाधा या अभिप्रेरणा का अभाव? तो बताइएगा इसका क्या आंसर राइट होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अवधान संबंधी बाधा हो जाएगी। 3 नंबर क्या हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सकारात्मकता अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो जो भी नए मित्र है या पुराने मित्र, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए दोस्तों। हाँ जी, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से सकारात्मकता अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतिद्वंदिता की भावना या प्रोत्साहन, इसका उदाहरण है ये हो जाएगा आपका प्रोत्साहन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, थैंक यू।
अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो भी इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मित्रों थैंक यू सो मच।